हेलो योगी नीरज कमल पंकज नीतू मोहित सौरभ मोनिका शिल्पा उत्तम पूजा कविता सुमित अमित अशोक अजय राजेंद्र अजेंद्र विपन अंजना एस के क्रिस्टल साहिल तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स वगैरह होते हैं वहां पे इस लिंक को जरूर शेयर किया करो ताकि कि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ इस कंपटीशन में शामिल हो सकें और इन लाइव सेशंस का सिर्फ एक ही उद्देश्य है दोस्तों लाइव टेस्ट आप जो भी पढ़ते हो उसमें से आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं तो पहला क्वेश्चन है एम एस आई इज द एवरीवेशन ऑफ तो एम एस आई का एक्रोनिम आपको पता होना चाहिए तो जिन्होंने भी यहां पे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चूज किया है उनका सही है ए ऑप्शन अच्छा कोई कमेंट करके बता सकता है कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हम क्यों बोलेंगे उसमें कितने सर्किट्स होने चाहिए मिनिमम तो बेसिकली दोस्तों आपको 50 याद रखना है 50 से आगे जो इंटीग्रेशन होती है उसको मीडियम स्केल बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आप सभी के लिए पहला इजी था दूसरा टफ है आई लॉन्च्ड एम लॉन्च इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कोर्ड आई पीसी एम पी सी इन नाइनटीन वन इस ईयर को याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है इट हैड चिप्स फ्रॉम इंटेल आप सभी को पता है कि माइक्रो प्रोसेसर्स का काम इंटेल का ही है स्टार्टिंग से ही डिस्क ड्राइव फ्रॉम टेंडन डिस्क ड्राइव जो है इसमें डिस्क वगैरह जो स्टोरेज के लिए वो टेंडम से और ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट से माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं विंडोज वगैरह स्टार्टिंग से ही द प्रिंटर फ्रॉम एपसोन एप्सोन जो है दोस्तों इसी ने सबसे पहले लैपटॉप जो है इसको भी लॉन्च किया था नाइनटीन में एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम एवरीवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहीं से भी हो सकता है कैन यू नेम द दीविच कंट्रीब्यूट कंपनी कौन सी है ये फटाफट कमेंट करिए 200 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो सभी के आंसर आने चाहिए तो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा ताइवान ठीक है इस कंट्री का नाम याद रखना बाकी चीजें मैंने जो बताई आपको ये भी आप अच्छे से देखनी है आपको उसके बाद नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट इंटरप्रैक्टर इंटरप्रैक्टर क्या करता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है तो वैलिड कौन सी स्टेटमेंट है इन तीन स्टेटमेंट से गोली की तरह आंसर किया करो फटाफट ताकि मैं भी फास्ट चल सकूं थोड़ा सा और जो स्टूडेंट्स नोट्स वगैरह बनाते हैं उनको नोट करने की जरूरत नहीं है हम पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करते हैं बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की तरह हमारा हिसाब नहीं है आप पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं तो सिर्फ आपको अपना टेस्ट ही करना है इन क्लासेस के माध्यम से बाकी आपको कुछ नहीं करना है तो बेसिकली बी ऑप्शन इंटरप्रेटर से रिलेटेड याद रखना काफी सारे स्टूडेंट्स ए चूज कर रहे हैं तो ये बेसिकली कंपाइलर का काम होता है दोस्तों ठीक है इंटरप्रेटर का काम होता है ऑब्जेक्ट कोड इज सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज जो ऑब्जेक्ट कोड होता है इसको फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है तो इसका बी ऑप्शन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह पढ़ते हैं इजिली रेलोकेटेबल लैंग्वेज इज जो इजिली री हो जाती है यह लैंग्वेज कौन सी है अशोक कुमार व्हाट्सएप कर लेना सीधा मैसेज किया करो सर हमें इस पीडीएफ फाइल की जरूरत है हाय हेलो अगर करता है कोई तो उसका रिप्लाई थोड़ा सा कम आता है इजिली रीलोकेटेबल लैंग्वेज तो ये असेंबली लैंग्वेज होती है दोस्तों सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है दोस्तों है लेकिन लो लेवल लैंग्वेज तो असेंबली लैंग्वेज आपको याद रखना है इजीली रीलोकेटेबल लैंग्वेज इसमें नेमोनिक्स वगैरह का यूज होता है तो ये भी याद रखना क्वेश्चन बन जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स रिफ्रेश आपको कुछ टाइम बाद रिफ्रेश करना पड़ता है यानी कि पावर कंजम्पशन जो है उसमें रिफ्रेशमेंट आपको देखने को मिलती है तो ये कौन सी होती है डायनामिक रैम ठीक है कैपेसिटर्स का यूज होता है ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है इसमें तो रैम रिलेटेड यही क्वेश्चंस बनते हैं और सेटिक रैम जो है बेसिकली ये फास्टेस्ट होती है और यूज की जाती है कैश मेमोरी में, में। तो फ्लॉप्स का भी यूज किया जाता है बिट्स वगैरह स्टोर करने के लिए इसमें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर आपस में कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन बनाना चाहें कंप्यूटर सिस्टम के तो किसके थ्रू टेक्सिंग This is for you. तो जिन्होंने भी यहां पे सिस्टम बस चूज किया है उनका सही है एड्रेस बस होती है दोस्तों कंट्रोल बस होती है तीसरी बताइए फटाफट कमेंट करके तीन तरीके की बसेस होती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए फटाफट कमेंट कीजिए जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं यहां पे। एड्रेस बस कंट्रोल बस डाटा बस यहाँ पे अमित ठाकुर ने बताया सबसे पहले वेरी गुड तो तीन बसेस के बारे में अच्छे से देखना डाटा ट्रांसफर करने का काम डाटा बस का और एड्रेस लोकेट करने का, का काम किसका एड्रेस बस का और डाटा फ्लो को कंट्रोल करने का, का काम किसका कंट्रोल बस का उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर कीबोर्ड फटाफट कमेंट करके बताना कंप्यूटर कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया है बिल्कुल पूरी पावर के साथ इस क्लास को अटेंड किया करो बिल्कुल फास्ट रिप्लाई किया करो हु इन्वेंटेड कीबोर्ड आनंद शर्मा का है क्रिस्टोफर रेथम सोल्स तो अठारह सो अड़सठ की बात है ठीक है टाइपराइटर वगैरह जो होता है तो उसको इन्वेंट किया था कीबोर्ड ऑटोमेटिकली इन्वेंट हो गया तो पूरा नाम याद रखना क्रिस्टोफर लेथम शोथ वेरी गुड सभी के आंसर आ रहे हैं वेरी गुड अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच इज द लिमिटेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आप सभी देखते हैं कि आज के टाइम में हाई लेवल लैंग्वेजेस ही यूज हो रही हैं स्टार्टिंग वाली जैसे फोर्टन थी उसके बाद काफी ज्यादा हमें देखने को मिली जैसे कोबोल हो गई और अब तो डेवलप होती ही रहती हैं ये लेकिन इनकी लिमिटेशन भी होती है तो इस लिमिटेशन को देखिए क्या लिमिटेशन होती है कमल किशोर का सही आंसर आया है सचिन राजपूत का सही आंसर आया है काजल शर्मा का ऋषभ शर्मा का तो दोस्तों लोअर एफिशिएंसी होती है इनकी एज कंपेयर टू जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं असेंबली हो गई या फिर मशीन लैंग्वेज हो गई तो लो एफिशिएंसी आपको याद रखना है ए ऑप्शन क्योंकि इसमें कंपाइल करना पड़ता है इंटरप्रेटर का यूज करना पड़ता है ट्रांसलेशन का यूज करना पड़ता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डिवाइस कैन बी इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एक सेकेंड में आपका आंसर आना चाहिए बालादत्त ने यहाँ पे डोगलस एंजल के बारे में बताया है तो दोस्तों माउस के इन्वेंटर हैं फटाफट पड़ कमेंट करके बताना ऑप्टिकल माउस के इन्वेंटर कौन है तो जिन्होंने भी हाँ पे डिजिटल चूज किया ये ऑप्शन उनका सही है आलोक हमेशा आंसर नहीं होता तो ध्यान दीजिएगा इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है योगी जी एम्बेडेड प्रोसेसर कहां पे यूज होता है बताना जरा ऑप्टिकल माउस के बारे में आपका आंसर नहीं आया अभी तक जी हाँ अक्षय कुमार स्टीव कर्च आपको नाम याद रखना है ऋतिक ठाकुर कोई बात नहीं अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है काफी कुछ हम डिस्कस करेंगे द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन चार स्टेटमेंट्स को पढ़ना है फिर आपको बताना है कि ट्रू कौन सी नहीं है इनमें से स्टेटमेंट ट्रांजिस्टर्स के बारे में है ये तो फटाफट कमेंट करके ये भी बताओ ट्रांजिस्टर्स को किसने इन्वेंट किया था फटाफट फ़ड़। प्रोसेसर्स जो होते हैं बेसिकली किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम वॉशिंग मशीन देखते हैं तो यहां पे सी ऑप्शन आप देख रहे होंगे ट्रांजिस्टर्स वर लेस रिलायबल ऐसा नहीं है दोस्तों ये ट्रू नहीं है लेस रिलायबल नहीं है मोर रिलायबल हैं बाकी ट्रांजिस्टर सार मच स्मॉलर स्मॉल हैं तभी इन फ्यूचर फर्स्ट जनरेशन के बाद साइज छोटा हो गया था कंप्यूटर्स का जी हां यहाँ पे अक्षय कुमार जी का काफी अच्छा आंसर आया है जॉन बारडीन विलियम शोकले वाल्टर ब्रैटेन इन्होंने पूरे पूरे नाम बताए हैं तो वेरी गुड उसके बाद दोस्तों लो हीट इन्होंने जनरेट की थी ट्रांजिस्टर्स ने सेकंड जनरेशन में और बाकी ट्रांजिस्टर्स बर यूज इन रेडियोज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो ये भी सही है लेकिन तीसरा यहाँ पे सही नहीं था तो यहाँ पे नोट ट्रू पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्ड सिस्टम इज कार्ड सिस्टम जो है दोस्तों पुराने समय में कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था तो कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए तो तीन सौ इक्यानवे क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा कमेंट करके फटाफट वेट कर रहा हूं आप सभी के आंसर्स का अलग अलग आंसर्स आप क्या रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों जिन्होंने भी डी ऑप्शन चूज किया है उन सभी का सही है तो प्रोसेसिंग डाटा में स्लोनेस होती है दोस्तों कार्ड सिस्टम जो होते हैं और इन कार्ड्स का यूज करके हम ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं और लार्जर डीपी स्टाफ इसके लिए चाहिए तो आलोक दिया तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कार्ड सिस्टम्स का यूज जो होता है ये कैलकुलेशंस के लिए होता है पुराने समय में तो इसको देख लेना अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों डबल ई रोम की फुल होम आपको बतानी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज किया जाता है डाटा को रिमूव करने के लिए और बेसिकली ईपी रोम जो होती है इसमें अल्ट्रावायलेट रेस का यूज होता है डाटा को रिमूव करने के लिए तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसको देख लेना एक बार इंपॉर्टेंट है ये भी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो ओरिजिनल ASCII कोड होता है ये कितने बिट्स को यूज करता है एक बाइट में से और लास्ट जो होता है ये रिजर्व होता है दोस्तों एरर चेकिंग के लिए तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आठवां बिट होता है इसका काम क्या है ऑप्शंस में आपको काफी कुछ मिलेगा वहां पे आपको एरर चेकिंग चूज करनी पड़ेगी तो सात बिट्स का यूज होता है दोस्तों एट बिट्स वाला बताना एट बिट्स वाला कौन सा होता है यह भी क्वेश्चन बन सकता है यह तो आप सभी ने देख लिया कि सात बिट्स के लिए एस का यूज होता है एट बिट्स का भी यूज होता है आज के टाइम में तो वो कौन सा है काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेली इन सेशंस को देखते हैं तो नितेश कुमार ने यहां पे बताया है EBCDIC डी आई सी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड ठीक है एट बाइट्स एट बिट्स के लिए काम करता है बाइट के पूरे के पूरे बिट्स यहाँ पे काम करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और साथ में ये जो एट बिट्स वाला यहाँ पे किस्सा है ये भी आपको अच्छा से देखना पड़ेगा ए कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्रामर कौन होता है दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तो जो प्रोग्रामिंग करेगा कोई भी तो उसके दिमाग में कौन सी चीजें होती हैं जी हां अमित ठाकुर ने भी यहां पे इंपोर्टेंट बात बताई है बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी जो होता है ये चार बिट्स यूज करता है तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो ए ऑप्शन जो भी चूज कर रहे हैं वो सभी सही चूज कर रहे हैं तो जितनी भी थिंकिंग होती है कंप्यूटर की क्योंकि प्रोग्राम अगर कोई बना रहा है तो उसमें एल्गोरिथम्स का यूज़ तो कर ही रहा होगा इंस्ट्रक्शन का यूज कर रहा होगा तो थिंकिंग का काम जो होता है वो प्रोग्रामर का ही होता है तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन याद रखना और यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है इसको किस नाम से जाना जाता है दूसरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कमेंट करके ये भी बताना कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है किस ईयर से स्टार्ट हुई है अंडर डेवलपमेंट है ये संजीव कुमार अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे तो पहली बात नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को बोला जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कभी कभी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी ऑप्शन में देखने को मिल जाती है तो ये भी याद रखना सो सी ऑप्शन इज राइट आंसर बोथ हो हुआग. तो उन्नीस सौ अस्सी तक बेसिकली फोर जनरेशन कंप्यूटर्स डेवलप हुए उसके बाद फिर शुरुआत हो गई किसकी जनरेशन की उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमनली स्टैंडर्ड डाटा कोड टू रिप्रेजेंट अल्फाबेटिकल एल्फाबेटिकल एंड कैरेक्टर्स इन इलेक्ट्रिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज कोल्ड तो डाटा कोड कौन सा हम यूज करते हैं ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें अल्फाबेटिकल जो एवीसी वगैरा होती है नुमेरिकल जीरो टू नाइन और पंक्चुएशंस जो होती हैं जैसे कुछ भी सिम्बल्स वगैरह होते हैं तो पंक्चुएशन कैरेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए तो काफी सारे स्टूडेंट्स के सही भी आ रहे हैं गलत भी आ रहे हैं तो आपने ध्यान से देखा होगा एस सी आई आई का भी यूज होता है ई बी सी डी आई सी का भी यूज होता है बी सी डी का भी यूज होता है तो ओबियसली ऑफ अबाब डी ऑप्शन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लो फेलर रेट इन चार ऑप्शन को ध्यान से देखो फिर ये बताओ कि ऐसे कौन से डिवाइसेस होती हैं जो काफी कम फेल होती हैं। हेलो तनु नेगी तो रोहित ठाकुर जी का भी सही आंसर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको याद रखना है बी ऑप्शन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस का क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको कुछ याद हो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कोई चाहे कोई कंप्यूटर ही बता दो क्योंकि उस कंप्यूटर में भील्स वगैरह का भी यूज हुआ था तो यह भी सी बताया है योगराज ने सही है नितिन कलेर ने मार्क वन बताया है सही है कालज शर्मा ने एनियाक बताया ये भी सही है तो तीनों ये कंप्यूटर्स यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं, इनमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीजें यूज हुई हैं कंपोनेंट्स यूज हुए हैं ठीक है एनियाक जो है बेसिकली इसको डिजाइन किया था एकर्ट और मोचले ने एवीसी जो है एटनासोफ और बैरी ने इसको डिजाइन किया था मार्को होवार्ड ने डिजाइन किया था तो ये भी याद रखना उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग मेमोरीज नीड रेफ्रेश इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं तो ज्यादा बार बार यहां पे टाइम वेस्ट करेंगे नहीं रिफ्रेश कहां करना पड़ता है डी रैम में तो इसका बी ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिपिकल पर्सनल कंप्यूटर यूज फॉर बिजनेस पर्पसेज वुड हैव डैश ऑफ रैम तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रैम चाहिए ये हिंट है आपके लिए तीन सौ तेरह स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक आए हैं सिर्फ चवालीस दोस्तों आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ आपके एक लाइक के लिए और हमें कुछ नहीं चाहिए ठीक है अगर आप इस वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं आपको लग रहा है कि कोई कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं आपके पास राइट है लेकिन इनफैक्ट बताइए आप कोई फीडबैक दीजिए कि कोई कमी है या नहीं है स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं जीरो था दोस्तों अभी मैं खुद को जीरो ही समझता हूं क्योंकि मैं कंटिन्यूसली सीखता हूं ठीक है और इन फ्यूचर आपके लिए काम करता रहूंगा तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा किसी ने डिसलाइक किया है वीडियो तो भी बस आप जरूर बताया करो कि कमी क्या है ताकि मैं इसको इन फ्यूचर सुधार सकूं तो बेसिकली दोस्तों दो के आपको याद रखना है रैम का ये साइज होता है अगर बिजनेस पर्पसेस के लिए आप यूज करते हो उसके बाद नेक्स्ट है दल यू ओफ अ कंप्यूटर नॉर्मली अ नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट कोल्ड एलयू में आपको क्या देखने को मिलता है होता एक महीना हो गया है हमें पेड कोर्सेस के बजाय हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं हिमाचल में कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ रखा हो यह सिर्फ आपके लिए है तो एलयू में आपको क्या देखने को मिलता है हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट ये होते हैं रजिस्टर्स ठीक है तो रजिस्टर्स का यूज ए में हमें देखने को मिलता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द कंप्यूटर कंसीव्ड बाय बैबेज तो बैबेज ने दो कंप्यूटर्स डिजाइन किए थे आनंद शर्मा बताना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम होता है फटाफट तो बैबेज का एनालिटिकल इंजन है इन तीन ऑप्शंस में से ठीक है तो ए ऑप्शन याद रखना उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बॉस अब आपको यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा ये सारी की सारी स्टार्टिंग में दोस्तों जो स्पीड थी मिली सेकेंड में थी मिली सेकेंड सेकेंड का कौन सा हिस्सा होता है कमेंट करके ये बताओ फटाफट केंड जो होता है ये मिलियंथ पार्ट होता है सेकेंड का नैनो सेकेंड की बात करूं पार्ट होता है और पिकोसेकेंड की बात करूं ट्रिलियंथ पार्ट होता है और जो मिली सेकेंड होता है ये हजारवां हिस्सा होता है सेकेंड का ये मैंने आपको चार क्वेश्चन ऐसे ही बता दिया ऑप्शंस में ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बाकी पावर्स का हिसाब भी देख लेना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस ऐसे पूछ लिया जाता है कि बिलियंथ पार्ट कौन सा होता है सेकंड का तो ऑप्शंस में आपको काफी सारे मिलेंगे तो आपको वहां पे क्या चूज करना है नैनो सेकेंड और ट्रिलियंथ पिको सेकेंड मिलियंथ माइक्रो सेकेंड और थाउजेंड मिली सेकेंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल 5100 वाज डैश इन 1957 वेरी गुड आनंद शर्मा धर्मेंद्र शर्मा तो ए ऑप्शन याद रखो पीसी था ये आईबीएम का मॉडल इक्यावन सो उन्नीस सौ की बात है ये तो इसका ए ऑप्शन बीजीए की फुल फॉर्म बताना जरा और ये भी बताना कि बीजीए कौन सी डिवाइस है इनपुट या फिर आउटपुट काफी अच्छा लगता है आपके आंसर्स देख के जब काफी फास्ट आप आंसर करते हैं जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा होता है दोस्तों डेली आउटपुट डिवाइस है ये वीडियो ग्राफिक्स एरे ए ऑप्शन काइंड ऑफ स्कैनर एम आई सी आर इज द शॉर्ट ऑफ तो क्वेश्चन आता है सीधा एम आई सी आर क्या है ऑप्शन में होंगे स्कैनर प्रिंटर बोथ ऑफ दीज तो आपको वहां पर स्कैनर चूज करना पड़ेगा स्कैनर क्या है इनपुट डिवाइस है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर तो ए ऑप्शन जो भी चूज कर रहे हैं जो चेक वगैरह होता है बैंक में उसको रीड किया जाता है इससे कई बार रीडर की जगह रिकॉग्निशन आपको देखने को मिलेगा तो अगर रिकॉग्निशन हो तो इसको भी आप चूज कर सकते हैं फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास बेस्ड ऑन साइज यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप फ्रेशर हैं तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर देखना एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर याद रखना साइज के हिसाब से नहीं होता है ये सिग्नल्स के हिसाब से होता है जैसे डिजिटल कंप्यूटर आपने सुना होगा एनालॉग सिग्नल आपने सुना होगा हाइब्रिड कंप्यूटर आपने सुना होगा बाकी मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूँ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो हैं टर्मिनल्स के थ्रू काम करते हैं आंकड़ों के ऊपर काम यहीं से होता है स्टैटिस्टिक्स बाकी माइक्रो कंप्यूटर घरों में जो यूज होता है पर्सनल कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर जो है दोस्तों ये सर्वर्स के रूप में काम में लिया जाता है ज्यादातर पचास सौ या फिर दो सौ जो यूजर्स होते हैं मिनी फ्रेम कंप्यूटर के तहत ही जुड़ते हैं मिनी कंप्यूटर जो होते हैं बाकी मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कुछ एक जैसे आई बी एम चौदह तो इन चीजों को देख लेना बीच एट बिट चिप बाज यूज इन मैनी ऑफ टूडेज आर एस computers. कंप्यूटर्स आज के टी आर एस जो है इनमें एट बिट चिप जो है ये कौन सी यूज होती है आनंद शर्मा कमेंट करके बताइएगा यूनिक्स को किसने डेवलप किया है और किस ईयर किया है तो Z80 आपको याद रखना है यह है एट बिट चिप जो कि यूज होती है आज के टी आर एस एट्टी कंप्यूटर्स में तो इसका डी ऑप्शन डिस्क इज फिक्स डिस्क फिक्स मीन की ये सिस्टम के साथ परमानेंटली अटैच रहती है कैन थॉम्पसन डेनिस रिची और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज पर बेस्ड है तो सी लैंग्वेज क्योंकि इसमें काफी बड़ा हाथ था डेवलप करने का डेनिस रिची का और डेनिस रिची को आपको पता होगा कि इन्होंने सी लैंग्वेज को डिवेल्प किया है तो ये क्वेश्चन भी हमीरपुर वर्ड पूछ लेता है तो बेसिकली हार्ड डिस्क इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये फिक्स्ड डिस्क है फ्लैश डिस्क जो पेन ड्राइव आप यूज करते हो उसे रिमूव कर लेते हो ब्लू रे डिस्क अच्छा कमेंट करके ये बताना कि डबल साइडेड ब्लू रे डिस्क जो है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है यह भी दोस्तों रिमूव हो जाते हैं डीबीडी ये तो आपको पता ही है तो यह भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में चौथा फॉलोइंग प्रोफेशन हैज नॉट बीन अफेक्टेड बाय पर्सनल कंप्यूटर्स तो पीसी जो है आप सभी को पता है हर एक फील्ड को इसने प्रभावित किया है डीबीडी की सत्रह जीबी होती है कैपेसिटी, डबल साइडेड तो यहां पे डी ऑप्शन चूज करो क्यों क्योंकि जितने भी यहां पे प्रोफेशंस हैं चाहे मेडिकल की बात करूं क्लैरिकल या लो की या फिर अकाउंटिंग की सभी को प्रभावित किया है किसने कंप्यूटर ने तो इसका डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दर्ड अवेकस इज डिराइव्ड फ्रॉम अवैक्स अवर्ड फ्रोम कंप्यूटर जैसे कि हम देखते हैं लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है तो अवेक्स जो है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है तो लखविंदर सिंह का सही आंसर आ रहा है मोनिका शर्मा का सही आ रहा है काव्य शर्मा तो एंसियट इजिप्ट डी ऑप्शन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड आज के टाइम में अगर इंस्ट्रक्शंस वगैरह एग्जीक्यूट करनी हो आपको तो कैसे करते हैं आप तो दोस्तों पुराने जमाने में सिक्वेंशली आपको एग्जीक्यूशन करनी होती थी लेकिन आज के टाइम में आप पैरल एग्जीक्यूशन करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम सिक्वेंशली नहीं करते हैं सिक्वेंशली भी करते हैं लेकिन कैपेबिलिटी है आज के टाइम के जो कंप्यूटर्स हैं कि वो पैरलली भी कर सकते हैं सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बोथ सिक्वेंशली एंड पैरल सी ऑप्शन पैरल पोर्ट से मुझे याद आया तो कमेंट करके फटाफट बताओ कि पैरेलल पोर्ट का यूज कौन सी डिवाइस करती है पैरेलल पोर्ट फटाफट आंसर करना इसके बारे में जी हां आई ट्रिपल ई आई ट्रिपल ई की फुल फॉर्म भी बताना तो प्रिंटर्स यूज करते हैं हालांकि आज के टाइम में यूएसबी का भी यूज कर रहे हैं टाइप सी का भी यूज किया जाता है दोस्तों इन चीजों के लिए क्योंकि टाइप सी दोनों तरफ से काम करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स आई ट्रिपल ई की फॉर्म इंपॉर्टेंट है ये भी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग मेमोरी मीडियम इज नॉट यूज तो एज मेन मेमोरी सिस्टम मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो इनमें से कौन सी नहीं है यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा यहां पे नोट है विशाल भारती सही है सुगंधी बोध सही है भारती कौशल पंकज शर्मा तो बेसिकली मैग्नेटिक टेप आपको यूज यहाँ पे याद रखना है ठीक है यहाँ पे बोला गया है कि प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी सिस्टम के तौर पे हम यूज नहीं कर सकते तो मैग्नेटिक टेप जो है सेकेंडरी स्टोरेज है ओग्जेलरी मेमोरी है ये बाकी मैग्नेटिक कोर या फिर सेमीकंडक्टर ये चिप्स वगैरह तो ये तो मेन मेमोरी सिस्टम में ही आएंगी ठीक है और मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशली एक्सेस करती है तो ये भी याद रखना उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑनलाइन बैकिंग स्टोरेज सिस्टम कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्जर क्वांटिटीज ऑफ डाटा इज बड़े लेवल पर अगर डाटा स्टोर करना हो तो किसका यूज हम करते हैं तो भारती कौशल का सही आंसर आया है आनंद शर्मा का सही आया है मोहित शर्मा का सही आया है रुचिका कपूर का सही आया है अक्की शर्मा का सही आया है सोनिया कुमारी तो सेकेंडरी स्टोरेज होती है दोस्तों ये और सेकेंडरी स्टोरेज में आपको बताइए हार्ड डिस्क का यूज होता है तो हार्ड डिस्क आज के टाइम में सबसे ज्यादा स्टोर करती है डाटा तो इसका डी ऑप्शन क्लाउड स्टोरेज जो होती है दोस्तों नेटवर्क स्टोरेज होती है ये जैसे कि गूगल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है तो ये भी आप अच्छे से देखना ए काइंड ऑफ सीरियल मैट्रिक्स प्रिंटर दैट होम्स कैरेक्टर्स विद मैग्नेटिकली चार्ज इंक स्प्रेड डोट्स इज कोल्ड मैट्रिक्स प्रिंटर ठीक है इसमें बेसिकली मेजरमेंट कैसे की जाती है डोट्स पर इंचेस की कितनी क्वालिटी है किसी प्रिंटर की कैरेक्टर्स मैग्नेटिकली चार्ज्ड इंक जो होती है उसकी मदद से हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये होते हैं इंकजेट प्रिंटर्स लेजर में यहाँ पे लेजर लाइट का यूज होता है और ड्रम और चेन में तो आपको होता ही है ड्रम में ड्रम बना होता है कैरेक्टर्स का और चेन में चेन बना होता है ड्रम और चेन जो है ये भी दोस्तों इंपैक्ट प्रिंटर्स ही है लेजर जो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है उसके बाद नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग ड नॉट अफेक्ट वीडियो डिस्प्ले इमेज यहां पे आपको देखना है कि वीडियो की क्वालिटी किन चीजों पर डिपेंड नहीं करती है तो बेसिकली बैंडविड्थ का यहां पे कोई काम नहीं होता बाकी रास्टर स्कैन रेज की बात करूँ तो ये भी यूजफुल है वर्टिकल एंड होरिजोनटल लाइंस ऑफ रेजोल्यूशन ये भी और स्क्रीन साइज तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे रेजोल्यूशन या फिर स्क्रीन साइज इंक्रीज होगा क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट है भेजा होता फॉलोइंग प्रिंटिंग डिवाइस एंड आउटपुट कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ डाटा ऐसी प्रिंटिंग डिवाइस आउटपुट जो होती है इसकी कंपोज्ड होती है डाटा की सीरीज की तो डी ऑप्शन याद रखना बायर प्रिंटर भी और बेसिकली वैंग इमेज प्रिंटर भी ये दोनों क्या होते हैं आउटपुट कंपोज्ड सीरीज ऑफ डाटा डिवाइस होती है तो ये कुछ एक नए क्वेश्चन भी आ, आज हमें देखने को मिल रहे हैं जो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट हैं द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है ये तो आप पढ़ते ही होंगे ये तो इंपॉर्टेंट है ही खासतौर पे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स लेकिन यहां पे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स भी इंपॉर्टेंट हैं चौदह सो एक जो है ये तो आप सभी को पता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है नेपाल ने अपने सेंसस के लिए इसको यूज किया था तो बेसिकली पी आई एम जो है ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम डिस्क में कैसा आपको एक्सेस देखने को मिलता है क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए सीक टाइम आगे हम लेटेंसी टाइम के बारे में देखने वाले हैं क्वेश्चन तो बेसिकली मैग्नेटिक डिस्क जो होती है डायरेक्ट एक्सेस इसमें देखने को मिलता है और सिक्वेंशियल एक्सेस के टेप्स इंपोर्टेंट है तो इसका ऑप्शन सही होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिजो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तो आसान है दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप बोलोगे टफ है तो आप बिल्कुल गलत हो काफी बार इनफैक्ट हजारों बार इसको डिस्कस कर चुके हैं हम तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आई वी चौदह एक और बाकी इनको भी याद रखना आई वी तीन सौ साठ हो गया पी डी पी एट इनफैक्ट पी डी पी एट जो है या फिर पी डी पी वन जो है फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था और एच पी इक्कीस पंद्रह यह भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है तो इनको बड़े ध्यान से देखना इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड कंटेंट विद इन अ ब्लॉक ऑफ डाटा और मैग्नेटिक टेप इज डिफाइंड बाय एक ब्लॉक में जो रिकॉर्ड्स वगैरह कंटेंट होते हैं मैग्नेटिक टेप के तो इनको हम किस रूप में देखते हैं इसके लिए हम टर्म कौन सी देखते हैं आनंद शर्मा का सही है यहाँ पे अभी तक बाकियों के गलत हारे हैं प्रवीण चौधरी का सही है विकास मल्होत्रा का सही है तो उसको हम ब्लॉकिंग फैक्टर देखते हैं तो ब्लॉक से याद रखना एक ब्लॉक में जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं डाटा के मैग्नेटिक टेप में इनको ब्लॉकिंग फैक्टर बोला जाएगा सी ऑप्शन मार्कबन फटाफट कमेंट करके बताना मार्क बन को किसने डिजाइन किया था किन, किसने इन्वेंट किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का काफी इसमें रोल है मार्क बन इज आल्सो नोन एज बताना क्लस्टर क्या होता है तो वर्ड एकन बिल्कुल सही आंसर है तो मार्क बन को किस नाम से जानते हैं ऑटोमैटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर डी ऑप्शन मार्क बन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज लोट ऑफ द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय दी सी रजिस्टर का आपको पता होना चाहिए जो कि लोड होता है कंटेंट के साथ मेमोरी लोकेशन की जो कि पॉइंटेड की जाती है प्रोग्राम काउंटर के द्वारा यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है तो कौन सा रजिस्टर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का ठीक है तो ये बेसिकली कंटेंट्स जो होते हैं मेमोरी लोकेशन के जो पॉइंटेड होते हैं इनको लोड करता है ये रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन का काम एलोकेशन का काम होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर का एड्रेस रजिस्टर का और डाटा को एलोकेट करने का होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर का और नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग होगी उसके लिए प्रोग्राम काउंटर का यूज होता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग आर द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बिट सबसे सस्ती रजिस्टर का यहां पे एग्जाम्पल बताइए जनरल और चीपेस्ट के हिसाब से देखें का आपको याद रखनी है सीडी कहीं भी चले जाओ बस स्टैंड चले जाओ रेलवे स्टेशन चले जाओ दस दस रुपए में आपको सीडीज़ मिलेंगी अब उसमें डिपेंड करता है क्या है और क्या नहीं आप क्या देखना चाहते हो टोटली डिपेंड्स पॉन यू उसके बाद नेक्स्ट है एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय जेम्स रसल ने सीडी और डीवीडी को इन्वेंट किया था योगी ने इंपोर्टेंट फैक्ट बताया वेरी गुड योगेश राणा तो मैनेजर्स के लिए एमआईएस काफी इंपोर्टेंट होता है एम आई एस हमेशा मैनेजर्स के लिए ही डिजाइन किया जाता है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी चाहिए को। और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में काफी इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वैलिड स्टेटमेंट वैलिड स्टेटमेंट ध्यान से देखना यहाँ पे एक किलोबाइट एक हजार चौबीस के बराबर होता है एक मेगा मेगाबाइट एक हजार चौबीस बाइट्स के बराबर होता है बाकी ये हजार वाले तो भूल जाओ। ऑप्शंस में है तो एक हजार की तरफ क्यों रिमूव कर दो तो ए ऑप्शन जो भी चूज कर रहे हैं एक केवी किसके बराबर होता है एक किलो बाइट बराबर होता है चौबीस तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन लेटेंसी टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट लेटेंसी टाइम होता क्या है तो इसका ए ऑप्शन याद रखना टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर हेड स्पिन करने के लिए टाइम जो यूज होता है जो भी डाटा नीडेड है हेड के अंडर में हेड का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है और एक्सेस टाइम सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है सीक टाइम क्या होता है वेट कर रहा हूं मैं आप सभी का फटाफट बताइए सीक टाइम के बारे में जी हाँ हेड तक पहुंचने का टाइम जो होता है यह होता है सीक टाइम और एक्सेस टाइम इन दोनों को मिला के बन जाता है लेटेंसी टाइम और सीक टाइम तो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का हु बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर सोलह इस बयालीस ईस्वी आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर तो ब्लेज पास्कल पास्कल के उन्होंने बन, बनाया था सोलह सो बयालीस में मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये फर्स्ट पीडीएफ फाइल के लिए व्हाट्सएप कर लेना कोई डाउट क्वारी क्वेश्चन हो तो जरूर बताना और लाइक जरूर किया करो वीडियो को अगर वीडियो अच्छा हो अगर कोई कमी हो तो डिसलाइक आप कर सकते हैं लेकिन ये भी बताना कि क्यों डिसलाइक किया है क्या कमी है ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं जय हिंद जय हिमाचल